नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आप जैसा कि जानते होंगे, बिहार में अभी अभी सत्ता पलट हुई है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया है। अब वो फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं और साथ में तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार जी हो सकते हैं अपोजिशन का चेहरा, यानी कि मोदी के खिलाफ हो सकते हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार। इसी को देखते हुए आपने ये भी देखा होगा कि अभी अखिलेश यादव जी के साथ नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई थी, केसीआर जी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनके साथ भी उनकी बैठक हुई थी। दिल्ली हो चाहे जितनी भी ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, अपोजिशन की सरकार है, बीजेपी के विरोधियों की सरकार है, वहां पर जाकर नीतीश कुमार जी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कयास लगाया जा रहा है कि सबको इकट्ठा कर एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए और पूरे विश्व मतलब भारत स्तर पर इसको लॉन्च किया जाए और इसका जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो वो नीतीश कुमार हो। यही पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। और अब हमें देखने को मिला है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मुलाकात करी है नीतीश कुमार जी के साथ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको गुलदस्ता देते हुए एक फ़ोटो खिंचवाई है और बताया जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के गठबंधन में हमें चंद्रशेखर आज़ाद भी देखने को मिल सकते हैं। आप क्या कहते हैं इसको लेकर, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।